हाँ तो जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से आंसर बता दीजिए इसके। फिर से पढ़ लेते हो, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हम देखेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लग के शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले मूल शब्द निकालना है। अब मूल शब्द इसमें क्या है, देखो ये है आकर्षण, तो मूल शब्द हुआ इसका कर्षण। कर्षण का क्या मतलब होता है, कर्षण का अर्थ क्या होता है, खिंचाव या खींचना। और आकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे ये जो हो गया कर्षण जो है वो हो गया मूल शब्द, और बचा क्या यहाँ पे आ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया उपसर्ग। ठीक है, तो यहां पे पहले क्वेश्चन का खा ऑप्शन जो है वो सही है। यहां पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी, निर, यहां पे हलंत होना चाहिए, एक मिनट, निर, निर्भ या निभ। तो जल्दी आंसर दे दीजिए। तो यहां पे भी हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, मूल शब्द जो है वो अलग रख करना है। मूल शब्द जिनका क्या है, कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए मूल शब्द में। यस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। कैसे, हमने इसमें से भय शब्द को निकाल लिया, तो अब ये रा कहाँ पे जाएगा? रा जो है हमने इसमें से देखो नी निकाल दिया, और रा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें हलंत लग जाएगा। ठीक है, ये वाला भा का जो ये रा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा उपसर्ग हुआ, निर। तो जो ये वाला रा होता है, जो ऊपर वाली मात्रा होती है, उसमें क्या है, उसमें आ का स्वर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हलंत आएगा, क्योंकि हमने व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया है, रा में से स्वर को निकाल दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे आधा रा जो है आया है। इस हलंत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रा जो है वो आधा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। फिर चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, आप लोगों को बताना है कि उपसर्ग ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लुटेरा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जो है लूट जो होता है मूल शब्द हो जाता है, तो यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बूढ़ा प्लस आपा,
तो यहाँ पे भी प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। लू प्लस भावना, यहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बचा आध्यात्मिक। अब इसमें आप सोचोगे, इसमें भी इक जो है अध्यात्म होता है, अध्यात्म मूल शब्द होता है, और सिर्फ इसमें प्रत्यय जो है इक लगा हुआ है, तो ये उपसर्ग कहाँ से आया? तो उपसर्ग जो है, बता देती हूँ मैं, उपसर्ग जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? अधि, अधि प्लस आत्मा, आत्मा और इक। यहां पे क्या हुआ? अधि जो है वो हो गया हमारा उपसर्ग, आत्मा क्या हो गया ही? वो हो गया मूल शब्द, और इक क्या हो गया? यहाँ पे प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ पे हमने इसका जो है, इस शब्द को तोड़ा है, शब्द को तोड़ के देखा है, तो हमें यहाँ पे अधि जो है ये उपसर्ग देखने को मिला, और इक जो है ये प्रत्यय देखने को मिला। मतलब कि आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। फिर आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। बाइज्जत में मूल शब्द है। अब ये इजी क्वेश्चन है। बा में क्या है? बा क्या है? बा जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। तो बा कौन सा उपसर्ग है? हमने उपसर्ग में प्रकार पढ़े थे ना, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ऐसे ही उर्दू के उपसर्ग है। ये जो है ये उर्दू का उपसर्ग है। तो यहाँ पे हमने जो है इज्जत जो है वो निकाल दिया, मूल शब्द जो है हमने निकाल दिया, तो बचा क्या? बा, बा उपसर्ग बच गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मूल शब्द जो है इज्जत है, और बा जो है वो उपसर्ग है। वो उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग है वो। फिर है पांचवा क्वेश्चन। प्रत्येक में उपसर्ग बताइए। प्रत्यय, प्र, प्रति या एक? प्रत्येक में उपसर्ग क्या हो गया? प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। प्रा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रा हम अलग कर देंगे तो तेक बचेगा। तेक जो है वो कोई मूल शब्द नहीं होता है, ठीक है। एक अगर हम जोड़ेंगे तो ये सिर्फ प्रत्यय बचेगा। तो यहाँ पे प्रति कैसे आया वो बताती हूँ आपको। ये जो इसमें पांचवे का सी जो है वो सही होगा। प्रति प्लस एक, एक जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा मूल शब्द हो गया, और ये प्रति जो है वो हमारा हो गया उपसर्ग। कैसे? ये जो है आपने यण संधि पढ़ी होगी ना, कि उसमें क्या होता है कि जब आ के साथ क्या बनाते हैं हम, ई मिलाते हैं तो या आता है, या आ के साथ क्या ए मिलाते हैं तो ये बन जाता है ये। तो इसी में अगर हम जब शब्द को तोड़ेंगे तो ये जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये ई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या? या बन जाएगा। और यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आएगा ई आएगा, ठीक है। ई प्लस ए मिलके बना रहे हैं ये, तो ये वाला ई हो गया हमारा छोटी ई, और यहाँ पे ए हो गया, ये मिलके बना रहे हैं कौन सा शब्द? ये वाला वर्ण बना रहे हैं, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। फिर छठा क्वेश्चन है। निम्न में से किस विकल्प में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है ऑप्शन स्वागत, दूसरा स्वजन, स्वार्थ या स्वधर्म। इसमें आप लोगों को उपसर्ग बताना है।
जल्दी से इसके आंसर दे दीजिए। यहां पे देखो क्या होगा, स्वजन, इसमें जो है स्वजन, स्व का मतलब क्या होता है, स्व जो है ये उपसर्ग है, स्व का मतलब होता है अपना, ठीक है। उपसर्ग में भी क्या होता है, मीनिंग होता है, उपसर्गों का मीनिंग होता है लेकिन प्रत्ययों का जो है वो मीनिंग नहीं होता है। तो अपने लोग, जन का मतलब क्या हुआ, लोग, ठीक है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए, मीनिंग जो होता है ना इसका क्या होता है कि अपने मतलब के लिए स्वार्थ, इसलिए उसको सेल्फिशनेस बोलते। तो ये हो गया स्व प्लस अर्थ, ठीक है। तो यहाँ भी स्व लगा है, अपना धर्म, ठीक है, स्व प्लस धर्म। ये क्या है, मूल शब्द हमने अलग कर दिए हैं, तो इसमें क्या है, ये जो है ये सारे उपसर्ग कौन से मिल रहे हैं हमें, स्व, स्व देखने के लिए, ठीक है। अब हम जो है जब स्वागत का जो है उसको तोड़ेंगे, उस शब्द को, सौरभ का आंसर आया, ठीक है, मीनाक्षी का भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। कैसे होगा ये, यहाँ पे स्व नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आएगा, सु, सु का मतलब होता है अच्छा, सु प्लस आगत, ठीक है, वो हो गया हमारा स्वागत। तो यहाँ पे ये मूल शब्द हो गया, और ये सु, सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे होता है ना सुपुत्र, तो सु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा पुत्र। तो यहाँ पे अच्छा स्वागत आने वाला, ठीक है, आगत जो आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, दुष्परिणाम, दुष्कर, दुश्चिंता में कौन सा उपसर्ग है, दुष, दुष, दुष या दू। तो हमें यहाँ पे भी उपसर्ग बताना है, लेकिन देखो अगर हम जो है दू निकाल देंगे, अगर हम यहाँ पे दू निकाल देंगे तो यह इस शब्द का कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा ये जो है ये मूल शब्द तो नहीं निकलेगा, ठीक है, ये मूल शब्द नहीं निकल रहा है, इससे इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। अब हमने क्या है, दुष निकाल दिया, तो यहाँ पे तो आधा शाह है लेकिन यहाँ पे पूरा शाह दे रखा है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, दुष, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जब शब्दों की रचना के बारे में पढ़ा था, अब पहले हम देखो, पहले हम क्या निकाल देते हैं, इसमें से मूल शब्द निकाल देते हैं, इसमें हो गया परिणाम, इसमें हो गया कर, और इसमें हो गया चिंता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला आंसर आएगा दुस, ये आएगा दुस। ये सा क्यों आया है, शा क्यों नहीं आया है यहाँ पे, ये वाला शा क्यों आया है, ये वाला शा क्यों नहीं आया, और ये आधा इसलिए आया क्योंकि इसमें हलंत लगा है, यहाँ पे जो आधा शा है, ये जो षटकोण वाला शा होता है वो आधा है, इसीलिए इस सा में आधा, इसीलिए इसमें क्या है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने शब्दों की रचना के बारे में पढ़ा होगा कि पा देखो या का या फा से पहले जब भी सा आता है तो हमेशा कौन सा शा आता है, षटकोण वाला शा आता है, ये हिंदी व्याकरण का एक नियम है। इसीलिए जब हम इसको तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे, तो हमने मूल शब्द तो निकाल दिया, तो ये सा जो है, ये वाला शा जो है सा में कन्वर्ट हो जाएगा इसीलिए, और हलंत लग जाएगा क्योंकि इसमें से जो आ का स्वर है वो निकाल दिया है, ठीक है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और इस सा में क्या है, स्वर नहीं है, यहाँ पे आधा शा आया है इसीलिए यहाँ पे हलंत लगाया हुआ है, इसीलिए हलंत का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। फिर आते हैं हम आठवें क्वेश्चन पे, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है,
संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए सन, बी सम, सी सौ या डी कल्प। कल्प तो नहीं होगा क्योंकि हमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, हमें जो है मूल शब्द नहीं बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या है, मूल शब्द निकाल दिया। ठीक है, मूल शब्द इसमें क्या हो गया, ये कल्प जो है वो हो गया हमारा मूल शब्द। अब आप लोग बोलोगे कि फिर बचा तो ये सौ, ये वाला बिंदी वाला सन बचा, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्यों होगा? सम जो है, सम जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो क्या होता है, माँ जो है यहाँ पे माँ को अनुनासिक जो है व्यंजन बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आधे, जब भी क्या होता है, आधा माँ आता है आधा ड़ा आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बिंदी लग जाती है जब भी हम उस शब्द को तोड़ते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, देखो कई लोग क्या करते हैं, संपत्ति को कैसे लिखते हैं, संपत्ति ऐसे भी लिखते हैं, और कई लोग कैसे लिखते हैं, संपत्ति। तो दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम इसमें सा को जो है तोड़ेंगे तो ये जो बिंदी है वो आधे माँ में लग जाएगी, जो बिंदी है वो यहाँ पे आ जाएगी। सब हमने जो है सा में से बिंदी को निकाल दिया है और उसको आधा माँ बना दिया है, मतलब कि ये जो है हलंत लगा के हमने क्या कर दिया है, इसमें इसमें से स्वर निकाल दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हलंत लगा है। तो जब भी हम क्या करते हैं, अब पंडित है, पंडित को कई लोग पहले ऐसे भी लिखते थे, तो ये वाले जो वर्ण ड़ा है, ये वाले जो वर्ण है और ये जब भी आधे आते हैं ना, ये याद रखना, ये वर्ण, ये जितने भी वर्ण हैं ये जब भी आधे आते हैं तो इसमें बिंदी लगती है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कई लोग क्या है आजकल ऐसे लिखा जाता है, पर पुरानी हिंदी में देखोगे कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, पुरानी किताबों में आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा जाता है। साउंड नहीं आ रही है, अच्छा साउंड, एम साउंड, ओके। तो यहाँ हमारा क्या है, बी जो है वो सही है। फिर आते हैं नौवे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब फिर वही हमें क्या करना है, उपसर्ग के बारे में देखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मूल शब्द निकाल देने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अनु शब्द जो है निकाल दिया, तो अनु और गामी हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनुज अपने आप में ही क्या हो गया, ये मूल शब्द हो गया। ठीक है, फिर बचा हमारा अनु प्लस चर, तो यहाँ भी अनु आ रहा है, सब में क्या है अनु आ रहा है, इसमें भी अनु आ रहा है, इसमें भी अनु आ रहा है। और अगर हम ये बी ऑप्शन में अनु निकालेंगे, देखो अगर हम बी ऑप्शन में अनु निकाल देते हैं और, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, प्रयोग। ये प्रयोग का जो है यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि ये मूल शब्द है ही नहीं, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो अब क्या करेंगे हम, जो है ऊ की मात्रा कहाँ भेज देंगे, जब इस शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो ऊ की मात्रा हमारी कहाँ आ जाएगी, इसमें, इसमें जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा ये उपयोग। अब मिल जाएगा हमें हमारा मूल शब्द, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ऊ की मात्रा को कहाँ भेज दिया है, यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे जो वो था इसका ऊ का स्वर वो खत्म हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ना जो है वो क्या हो गया, उसमें से स्वर निकाल दिया हमने और यहाँ पे भेज दिया, तो इसीलिए नाप के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे हलंत लग गया। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, अनुपयोगी। ठीक है, हमें हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे उपसर्ग भी मिल गया और क्या, मूल शब्द भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, शब्दों को मूल शब्द से अलग करना है, उपसर्गों को, उससे ये शब्दांश हो गया हमारा और ये हो गया
मूल शब्द। फिर आते हैं दसवें क्वेश्चन पे, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब हमें क्या बताना है, प्रत्यय के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है अणीय, फिर है अनीय, ईय या य। तो हमें इसमें से फिर से वही करना है जो हम करते आ रहे हैं कि क्या निकालना है, हमें मूल शब्द निकालना है। अब हमने क्या निकाला है इसमें से, जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, ये होता है मूल शब्द, ठीक है, और उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। तो इसमें क्या हमने निकाल दिया, रमण को हमने निकाल दिया। और प्रत्यय हमें क्या, उपसर्ग में हम यहाँ देखते थे, लेकिन प्रत्यय में हम कहाँ देखेंगे, लास्ट में, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगते हैं। क्यों हम लास्ट में क्यों देखेंगे शब्दों के, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं हमेशा शब्दों के अंत में लगते हैं, वो शब्दांश जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं, लेकिन उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्दों से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मूल शब्द जो है वो रमण निकाल दिया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन शब्द में और क्या है, इस शब्द में या भी है, ठीक है, या वर्ण भी दे रखा है। तो रमण जो है हमने निकाल दिया और इसमें ई प्रत्यय जो है वो जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये शब्द रमणीय है। अगर हम उसमें से जब शब्दों को जो है तोड़ेंगे, तो हमने इसकी जो ड़ांग की मात्रा कहाँ लगा दी, हमने जो ड़ांग जो है उसमें बड़ी की मात्रा आई है वो यहाँ लगा दी, और यह जो है वर्ण वो यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे ई है जो है दसवें का सी क्वेश्चन जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ई है जो है वो सही है। फिर आते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन पे, कृत्य प्रत्यय का योग होता है। अब प्रत्यय में भी कई प्रकार हमने पढ़े, तो पहला है विशेषण के साथ, सर्वनाम के साथ, दूसरा संज्ञा के साथ, क्रिया या धातु के साथ। अब कृत में क्या हो गया, ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी गलत है, ग्यारहवें का जो है ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे है ये इसमें पाठक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पठ प्लस अक, पठ धातु से ये जुड़ के बना रहा है ना, तो पाठ हो गया, पाठ प्लस अक। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें आपने धातु पढ़ा होगा ना, तो धातु में जो मूल शब्द आता है वो पठ आता है, तो इसीलिए यहाँ पे अक जो है वो प्रत्यय, क्योंकि ये ठा में से हमने आ का सर यहाँ से निकाल दिया, तो पाठक बन गया, ठीक है। तो कृत्य प्रत्यय क्या होता है, कृत्य मतलब क्या होता है, करना, तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कृत का मतलब होता है वो काम, कोई किया हुआ काम, तो ये क्रिया या धातु के साथ जोड़ा जाएगा। अच्छा ठीक है, बारवा है, सुचारु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सा सु स्व या सु, ऑप्शन कौन सा आएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे चारु हमने क्या निकाल लिया, मूल शब्द निकाल दिया। चारु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, आपने पढ़ा होगा ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर में, तो ये आपने पढ़ा होगा, तो ये चारु वहीं से आया है। चारु जो हो गया हमारा मूल शब्द हो गया, और बचा क्या, उपसर्ग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सु, सु जो है वो होता है उपसर्ग, उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, सु, तो हमें हमारा क्या मिल गया, सुचारू,
ठीक है, ऐसे बना है ये उपसर्ग लगा है और ये हमारा हमें मूल शब्द मिल गया है। तो बी जो ऑप्शन है वो सही है। फिर है 13वां क्वेश्चन, अस्थाई में से कौन सा उपसर्ग लगा है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या करना है, और पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, आ बड़ा आ या छोटा आ, अस या अव। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने इस मूल शब्द के बारे में तो सुना ही है, ठीक है। स्थाई जो हो गया, हमने अपना क्या निकाल दिया, ये मूल शब्द निकाल दिया इसमें से, तो बचा क्या अ, ठीक है, आ बच गया। इसमें आ, यहाँ पे आ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे ये मात्रा नहीं दे रखी है, यहाँ पे छोटा आ, छोटा वाला आ दे रखा है, ठीक है, छोटे वाला अधिक ये दे रखा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो सही होगा, आ प्लस स्थाई मतलब कि अस्थाई। जैसे कि ये जो है, ये उपसर्ग जो है कभी कभी क्या करते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं, जैसे कि मूल शब्द हो गया हमारा सफर और उसमें आ जुड़ गया तो उल्टा हो गया, असफल हो गया। तो इसी तरह इसमें क्या कर दिया, स्थाई का उल्टा क्या कर दिया, अस्थाई हो गया। फिर है 14वां क्वेश्चन, निराधार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीर, नी या निर या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे हमें देखना है, जिसमें मात्रा लगी होती है उसको तोड़ने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है, कैसे, अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इस शब्द को हम कैसे, नीर यहाँ पे नहीं होगा, नीर का मतलब होता है पानी, नीर अपने आप में ही एक मूल शब्द है, ठीक है, तो अगर हम नी निकाल दें तो राधार का कोई मतलब नहीं होता, वो कोई मूल शब्द नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है। अब आता है निर, तो क्या है ये, कैसे बनेगा, निर प्लस आधार। अब यहाँ पे आधार क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे आधार ही क्यों हुआ है, एक तो आधार का कोई मतलब नहीं होता, ऊपर से रा पे हलंत क्यों आया है, क्योंकि इसने अपना स्वर जो है इस आ को दे दिया है, ठीक है, यहाँ से भी आ निकल के यहाँ पे आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, मात्रा लग जाती है, ये वाला आ निकल के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या है, मात्रा लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, हमारा आधार बन गया। फिर है 15वां क्वेश्चन, पुनरुत्थान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुर का, पुनः या पुनर का, पुनु का या पुन का, ठीक है। तो हम जब क्या करेंगे, अगर हम इस शब्द को तोड़ते हैं, मान लो हमने ऐसे तोड़ दिया पुन और क्या कर दिया हमने, रुत्थान, रुत्थान, तो यहाँ पे हमें उपसर्ग तो मिल गया, लेकिन क्या है, यहाँ पे मूल शब्द का कोई अर्थ ही नहीं नजर आ रहा इसमें, तो ये तो हो गया हमारा गलत, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत। अब ना में उ की मात्रा तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जो है रा भी नहीं दे रखा है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे ये कैसे होगा, ये आपको बताती हूँ, ये शब्द कैसे तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पुनर, पुनर या पुनः भी हो सकता है, प्लस क्या हो जाएगा, उत्थान, ठीक है। ये जो रा में उ की मात्रा है, रा में उ की मात्रा बना रही है, क्या बना रही है, रू, छोटे उ की मात्रा होती है, जब ये वाला रूप में बड़े उ की मात्रा होती है, और गुरु में हमेशा क्या होता है, छोटा उ, जब भी ये वाला रू आए तो मतलब इसमें छोटे उ का स्वर है, और अगर ये वाला रू आए तो इसमें
बड़े ऊ का स्वर छुपा हुआ है, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं क्या बता रही थी कि जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पुनरुत्थान। यहाँ पे रा में हलंत क्यों आया है? क्योंकि उसने अपना ऊ का स्वर किसको दे दिया है? इसको दे दिया है, ठीक है? यहाँ जब हम शब्द तोड़ रहे हैं तो ऊ की मात्रा यहाँ पे आ गई, तो ये हमारा बन गया मूल शब्द बन गया, और यहाँ पे हलंत लग गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्वर, रा ने अपना स्वर किसको दे दिया? इस मूल शब्द को दे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या ये होगा, अगर ऑप्शन में पुनः भी आए तो भी वो ठीक होगा, ठीक है? फिर है 16वां क्वेश्चन, देवरानी में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, रानी, आड़ी, आनी या नी? तो आप जब ये शब्द तोड़ोगे तो आप बोलोगे कि ये रानी प्रत्यय है, देव प्लस रानी। कई लोग अभी यही जवाब देंगे शायद। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, अब देव और रानी, देव भी हमें मिल गया, रानी भी हमें मिल गई, तो ये तो शब्द बन ही गया हमारा। लेकिन क्या है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, ये दोनों ही मूल शब्द हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ये रानी ऑप्शन जो है इसीलिए गलत है। क्यों? क्योंकि देव भी मूल शब्द है अपने आप में और रानी भी अपने आप में मूल शब्द है, और हमें क्या करना है, मूल शब्द में से प्रत्यय को निकालना है। दोनों मूल शब्दों को नहीं जोड़ना है, हमें मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनाना है, प्रत्यय निकालना है उसमें से। तो जब हम इसको, इसमें से प्रत्यय निकालेंगे तो हमने निकाल दिया इसमें से देवर, ठीक है? देवर हमारा हो गया मूल शब्द, ठीक है? देवर हमारा हो गया मूल शब्द। तो हमारा बचा क्या, आणी। आणी की स्पेलिंग ये गलत है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ना आया है, रा नहीं आया है, ठीक है? तो इसमें नी भी नहीं होगा क्योंकि अब रा की मात्रा कहाँ आ गई है, रा ने अपनी मात्रा किसको दे दी है? इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा आनी। तो ये हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्ययों का जो है अर्थ नहीं होता है, आनी शब्द, आनी जो प्रत्यय है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें हमारा मूल शब्द निकल, हमें हमारा मूल शब्द मिल गया है देवर, ठीक है? और अगर हम ऐसे करते देव और रानी तो ये गलत होता क्योंकि दोनों ही मूल शब्द हो जाते इसमें। हमें क्या करना है, हमें प्रत्यय निकालना है इसमें से, ना कि मूल शब्द दोनों। तो ये समझ में आ गया। फिर है 17वां क्वेश्चन, चुनौती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब इसमें मात्रा लगी हुई है सेम, ती, औती, औती या नौती, ठीक है? तो चू का कोई मतलब नहीं होता अगर हम क्या करें, नौती निकाल दें तो, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर क्या बचा हमारे पास, ओती। अब यहाँ पे स्पेलिंग में क्या दे रखा है, चुनौती, ये तो नहीं दे रखा है ना, डबल मात्रा दे रखी है। क्या दे रखी है हमें, डबल मात्रा दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, हमने अपना मूल शब्द निकाल दिया, चुन। चुन जो है हमने अपना मूल शब्द निकाल दिया है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दो मात्राएं दे रखी है, ए की जो ए की मात्रा है वो दो मात्राएं दे रखी है, इसीलिए इसमें औ, ये दो मात्राएं वाली औती आएगी, चुन प्लस औती, चुनौती, ये वाला नहीं लगाना है। क्योंकि ये वाला लगाओगे तो आप इसका प्रत्यय निकाल रहे हो और शब्द में ये अशुद्ध शब्द है। ये होता है चुनौती की स्पेलिंग क्या होती है, ये वाली होती है सही स्पेलिंग, ठीक है? तो हमें क्या करना है, चुन हमने निकाल दिया है तो किसकी मात्रा बची, औ की मात्रा बची, और क्या बचा, ती। तो यहाँ पे इसीलिए क्या बन गया, ये चुनौती, ठीक है?
फिर है 18वां क्वेश्चन, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कौन से प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए सिंह का जो है, अब हमें पता होना चाहिए स्त्रीलिंग क्या होता है। सिंह का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, अगर आ की मात्रा जोड़ेंगे, अगर हम चलो आ की मात्रा जोड़ देते हैं, अब आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा जो जिनको पता होगा। ठीक है, सिंहाई। जिनको सिंह का स्त्रीलिंग पता है उनको क्या आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, सिंहनी होता है। सिंह का स्त्रीलिंग क्या होता है, सिंहनी। ठीक है, इसमें नी प्रत्यय जुड़ जाता है। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है, कहीं पे होता है जैसे पंडित का पंडिताइन, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें क्या नी शब्द जुड़ जाता है, जैसे मोर में क्या जुड़ जाता है, नी प्रत्यय जुड़ जाता है और बन जाता है मोरनी। शेर में नी प्रत्यय जुड़ के बन जाता है शेरनी। ऐसे ही सिंह में नी प्रत्यय जुड़ के क्या बन जाएगा, सिंहनी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो गलत हो गए और ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, इस क्वेश्चन से हमें दो आंसर पता लगे, एक तो ये है कि नी प्रत्यय और एक हमें सिंह का स्त्रीलिंग भी पता चल गया। फिर है 19वां क्वेश्चन, कर प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग हुआ है। पुरस्कार, हितकर, कर्तव्य या विकर। तो यहां पे हमें क्या देखना है, लास्ट शब्दांश देखने हैं, कौन से शब्दांश देखने हैं, प्रत्यय मतलब शब्दों के अंत में देखना है, ना कि शब्दों के शुरू में। तो अगर ये जो है कर अगर हमने निकाल दिया तो वी तो कोई मूल शब्द नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे कर जो है ये शुरू में जुड़ रहा है और हमें प्रत्यय के बारे में बताना है। ठीक है, और कर जो ये वाला कर जो है शुरू में आ रहा है, तो ये हमें उपसर्गों के बारे में नहीं बताना। पहली बात तो ये मूल शब्द ही हो गया। ठीक है, फिर आया है हमारा पुरस्कार। पुरस्कार में क्या हो गया, पुरस्कार में कौन सा प्रत्यय लग गया, कार वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, हितकर। ठीक है, हमने मूल शब्द निकाल दिया हित और यहाँ पे बन गया कर। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो है कर शब्द का मतलब प्रत्यय ही होता है। कई लोग बोलेंगे कर जो है वो टैक्स होता है, वो अलग है, जो हिंदी भाषा में कर शब्द का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। उठ कर सो कर मतलब कि ये शब्द वैसा बनाया गया है व्याकरण की दृष्टि से, ये एक तरह का यहाँ पे प्रत्यय है ना कि मूल शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिल गया मूल शब्द हित और जो है कर जो है वो हो गया प्रत्यय। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, बचत शब्द में प्रत्यय है, चत, अत, तो या कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है, इसे प्रत्यय बताना है और हमारा क्या हो गया, हमने क्या बता दिया, हमने बच जो है बहुत इजी है, बच जो है मूल शब्द निकाल दिया। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, कोई यहाँ पे आधा चा नहीं दे रखा, कोई यहाँ पे ऐसे आधा चा नहीं दे रखा जो यहाँ पे हम बोले कि अत आएगा, है ना, ये भी नहीं होगा। चत बा को अगर जो बा अगर अलग करेंगे, चत अलग होगा,
तो यहाँ पे क्या है, चत कोई प्रत्यय नहीं है, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या यहाँ पे, तो बच प्लस तो यहाँ पे हमारा बचना, किसी चीज से बचना, तो यहाँ पे हमारा ये होगी, ये हो गया है हमारा मूल शब्द बचना है या बचाना, और ये हो गया हमारा प्रत्यय, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हो, ये इनका लिंक दे रखा है, कोई भी क्वेरी हो उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।